जी हाँ, ऑपरेशन अर्जुन दिखाते हैं आपको कि तमाम नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर करणी सिंह शूटिंग रेंज तुगलकाबाद दिल्ली के डेप्यूटी डायरेक्टर शिवदत्त बख्शी रेंज के भीतर किस तरह से काम कर रहे हैं। समाचार प्लस के अंडरकवर रिपोर्टर के सामने डेप्यूटी डायरेक्टर ने अभ्यास कराने के नाम पर जो भी कुछ माना वो न सिर्फ कानूनन गलत है बल्कि देश के मान और सम्मान से जुड़ी संस्था के साथ खिलवाड़ भी है। पैसे और शराब को लेकर रिपोर्टर से बात करते हुए अभ्यास के नाम पर किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने की गारंटी ये जनाब लेते हैं, जबकि किसी को भी अभ्यास करने से पहले कुछ नियमों और शर्तों से होकर गुजरना पड़ता है। डॉक्टर करणी सिंह रेंज तुगलकाबाद दिल्ली। करीब 73 एकड़ में फैले इस शूटिंग रेंज में वैसे तो बगैर इजाजत एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन लहलहाते नोटों को लपकने के चक्कर में कैसे नैतिकता, नियम और कानून की खाल खींच ली जाती है, इसका शानदार नमूना देखिए। पैसा फेंको और तमाशा देखो, जेब में है पूरा का पूरा कानून। गोपनीय सूचना तो पहले ही मिल गई थी कि करणी सिंह शूटिंग रेंज में गड़बड़ झाला चल रहा है। फिर क्या, समाचार प्लस के अंडरकवर रिपोर्टर के पहुंचने भर की देरी थी। इसके बाद की जो बातें हैं वो गैर कानूनी तो है ही, और ये बताने के लिए भी काफी है कि सरकार के नाक के नीचे से हलक को सरका देने वाला खेल कैसे खुलेआम खेला जाता है। मैंने पूरी रिसर्च करके चीज मंगवाई, तो अगर चीज लेनी है तो नहीं उठाओ, सेकंड हैंड है। नहीं नहीं सर, जो आप मंगवा रहे हैं सर वही यूज करूंगा सर। वो आप यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद मी कि सर नाउ दिस गन इज माइन, ये मेरी बुक हो गई है, दिस इज द अमाउंट दैट वी सेटल अपॉन, दिस इज माय पेमेंट टू यू। बिल्कुल। नाउ एज फार एज आई एम कंसर्न, नाउ दैट गन बिलोंग्स टू यू, दैट गन विल बी हियर। जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं आता, once you get a license, then it would be the then we will transfer it to your thing, क्योंकि उसकी ट्रांसफर के अंदर भी शूटिंग रेंज में किसी के भी एंट्री से पहले तमाम तरह के नियमों, कानूनों और शर्तों को मानना पड़ता है। बकायदा इसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है, फिर शूटिंग रेंज के अधिकारी दस्तखत करते हैं, इसके बाद भी प्रक्रिया को अंजाम देना पड़ता है। लेकिन समाचार प्लस के अंडरकवर रिपोर्टर ने जो फॉर्म भरा उसे जमा नहीं करवाया गया। अब तक बहुत सारी बातें लगभग खुल चुकी थी कि अंदर सारा मामला साफ तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं बेस्ट एनिमेशन दिलवा रहा हूँ जिसमें ग्रुपिंग अच्छी रहेगी, टाइट ग्रुपिंग रहेगी, सस्ता एनिमेशन भी मिलता है, पर वो सारा ग्रुप ज्यादा उस पर फैल रहा है, तो वो सब मैं कर लूँगा। वेपन आपको बेस्ट मिल जाएगा, एक बंदे को मैंने बोला हुआ वॉल्सर लाने के लिए, वो आएगा वॉल्सर, तो कंपटीशन वॉल्सर से बाहर होगा। वॉल्सर सबसे बेस्ट होती है सर? नहीं, सबसे बेस्ट एक ग्लैकर करके होती है, बट दैट इज ओवररेटेड। ओवररेटेड दैट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड अल्टीमेटली इफ यू आर गुड यू कैन शूट विद एनीवन, राइट? ठीक है, बट आई विल गिव यू अ गुड वेपन सो दैट उसे अच्छा वेपन होने से क्या होता है कि योर स्कोर इंक्रीजेस बाय 20-25 पॉइंट्स, तो आप अगर रेनाउंड शॉट के आसपास हो देन यू क्रॉस इट। करणी सिंह शूटिंग रेंज के डिप्टी डायरेक्टर को तो बिल्कुल नहीं पता था कि एक साथ दो दो शूट हो रहे हैं, एक तरफ सरकारी बंदूक से निशाने का और खुफिया कैमरे से सारी सरकारी करतूतों की। जब ये दो साल का पीरियड हो जाएगा देन आई विल ट्रांसफर द वेपन। ठीक है सर, बट इन प्रिंसिपल हमारी ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखो आज जब किसी का सेकेंड हैंड वेपन लेते हैं उस वेपन में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, हाँ सर गॉड नोज, यू डोंट नो। करेक्ट सर, मेरा भी वेपन आएगा मेरे बेटे के नाम से आ रहा है, वो रिनाउंड शॉट है, वो चलाएगा नहीं, उसको शौक नहीं है, वो ऐसी हो गया। शूटिंग रेंज में निशानेबाजी का अभ्यास करना या करवाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं उसका तो जनाजा ही निकाल दिया रेंज के डिप्टी डायरेक्टर साहब ने। कहा सब हो जाएगा, बस धैर्य रखो, सीखो, वो तो अच्छा है कि सारी बातें खुल गई, वरना पता नहीं ये खेल कब तक चलता रहता और लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगती।
सर जैसे ये अगर परचेज करनी होगी सर तो ये कितने की आएगी सर? अभी अगर जैसे विदाउट रेनाउंड शॉट को लेते हैं यार, मैं वही बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो मिलेगी नहीं क्योंकि इन्होंने इसी साल रिलीज करी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब जैसे मैं अपने लिए मंगवा, अब आप रेनाउंड शॉट सपोज दिसंबर में बनते हो, दिसंबर में बनोगे आपका फिर रेनाउंड शॉट का सर्टिफिकेट बनते महीना दो महीने और लगे, फिर आप इम्पोर्ट परमिट के लिए लगाओगे है ना, फिर इम्पोर्ट परमिट बनेगा, फिर आप कंपनी में जाओगे कंपनी को दोगे। अब ये बुक गन मैंने अपनी बुक करवाई थी जनवरी में, जनवरी में, और अभी तक आई नहीं। आज मैं इसकी पेमेंट करके आया हूँ, आज मैं बैंक में गया इसकी पेमेंट कर दी, और गन आएगी मेरी जुलाई में। ये वॉल्थर की सर है? कितने की सर आपने ली सर? मेरे को सस्ती पड़ गई थोड़ा। अच्छा, आपको जो मेरी कहानी अलग है आपकी कहानी अलग है सर, वो तो जमीन आसमान का फर्क है सर, आप जिस जगह बैठे हैं। तो फिर भी जो है तो सर मैं आपके थ्रू जैसे अगर ले लूंगा सर तो कुछ मुझे और रिलैक्सेशन नेगोशिएशन सर हो जाएगा उसमें, अगर मैं एक और अगर आप बुक कर देंगे सर तो एक बार ही कर सकता। अच्छा सर, या मैं इसमें एक काम कर सकता हूँ सर, मैं आपको तरीका बताता हूँ सर। मेरे को तो कहीं से भी गन मिल जाएगी, ठीक है सर, जो ये गन आएंगे ना, हाँ ये हमको दे दीजिएगा, ये मैं आपको दे दूँगा, बहुत बढ़िया रहेगा जी। पर आपको मैं घर के जाने के लिए दे सकता नहीं, क्योंकि रूल ये कहता है कि एक रेनाउंड शॉट जी दो साल तक मैं किसी को बेच नहीं सकता, ठीक है सर। शूटर को बेच सकता है, शूटर आप एक दो बारी कंपटीशन में पार्ट लोगे आप शूटर बन गए, ठीक है। गन आप रखना आर्मरी में ही नाम है, ठीक है, आप ही यूज करोगे और कोई यूज नहीं करेगा, पर उसमें सेटिंग फिर आपकी होगी, ठीक है सर। डिप्टी डायरेक्टर साहब बताते चले गए कि कैसे खेल होता है, ये तो दुनिया जानती है कि शूटिंग का खेल बहुत महंगा है, लेकिन ये सब बात जिस बात के लिए हो रहा था वो दृश्य आना अभी बाकी है। दिल्ली से पंडित आयुष के साथ गरुड़ रिपोर्ट समाचार प्लस। जी हाँ, तो समाचार प्लस की इस खास पेशकश ऑपरेशन अर्जुन ने उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक तहलका मचा दिया है। दिल्ली स्थित करणी सिंह शूटिंग रेंज में पैसे के बल पर जो खेल चल रहा है उसकी उत्तराखंड के जन प्रतिनिधियों ने कड़ी आलोचना की है, जांच कर कार्रवाई की भी मांग की गई है। करणी सिंह शूटिंग रेंज का हिस्सा रहकर नेशनल तक खेलने वाले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भी इस कारगुजारी की बात सकते हैं, वो भी कह रहे हैं कि इस तरह के हालात पहले नहीं थे, लेकिन अब जो कुछ हुआ है उसकी जांच होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो मैं समाचार प्लस को बधाई देना चाहूंगा कि उसने खेल जगत के एक इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है, स्टिंग जो किया है उसके लिए बधाई। और ये इस वजह से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि खेल से जुड़ा हुआ है, ये तो बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है, इस पर सरकार को गंभीर होना चाहिए और इमीडिएटली इसमें इंक्वायरी कर भ्रष्टाचार को किसी भी क्षेत्र में हो उसको निकाल फेंकने की आवश्यकता है, और तभी हमारे देश का कुछ भला हो सकता है, तभी हमारे खिलाड़ी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, हमारे देश के लिए पदकों को जीत सकते हैं, और भ्रष्टाचार जहां कहीं भी है उसको निकालने की तुरंत आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति अगर जो सरकारी पद पर है और खिलाड़ियों से पैसा लेता है तो मेरे विचार से वो जो होनहार खिलाड़ी है उनके प्रति अन्याय है ही, साथ के साथ में कोई अधिकारी इस तरह से रिश्वत कैसे ले सकता है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी शूटिंग रेंज है तो ये तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है, व्यक्तिगत शूटिंग रेंज है उसमें भी अगर रिश्वत लेने के आधार पर बच्चों का एडमिशन हो तो वो दुखद है, सरकारी है तो और भी दुखदाई है, इसके तो निश्चित रूप से जाँच होनी चाहिए। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा, इसकी देश की मान प्रतिष्ठा भी गिरेगी, हमारे खिलाड़ी नहीं पहुंचेंगे ना सफल होंगे, तो ये तो बड़ा गंभीर मामला है। सरकारी शूटिंग रेंज है और इस तरह की हरकतें वहां हो रही तो चिंता का विषय भी और जांच का विषय भी है।